नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। आर्टिकल है आपका अंबेडकर साहब और पूना समझौता से संबंधित। तो बात करेंगे कि अभी आखिर ये चर्चा में क्यों है करेंट में, और इसकी पृष्ठभूमि पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। छुआछूत के विरुद्ध जो संघर्ष चला, छुआछूत को दूर करने के लिए जो संघर्ष चला उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और असमानता या छुआछूत को दूर करने के लिए अम्बेडकर के साहब के क्या सुझाव थे उसे भी देख लेंगे। और जो पूना समझौता है ये क्या है आखिर, कई बार अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पूना समझौता, तो इसे भी देखेंगे। पूना समझौता होता क्या है, पूना समझौते का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा उसे भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बर्ड व्यवस्था पर गांधी गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच जो मतभेद थे उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नयन शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को उन विचारों से अवगत कराना है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को संविधान रूपी नींव पर स्थापित किया है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल संविधान के निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाया, तो वहीं राजनीतिक स्तर पर दलितों, शोषितों व महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण करो से संहिताबद्ध भी किया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थी, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे, परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण ही था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण छुआछूत के विषय में देखा जा सकता है। छुआछूत के विषय पर दोनों का ही मानना था कि यह समाज में एक कोड की भांति है, परंतु दोनों ही विद्वान छुआछूत को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग समर्थक थे, जो भिन्न भिन्न मार्ग के समर्थक थे। आप लोग जानते होंगे कि भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका नाम भी याद रखिए पूरा, कई बार आप लोगों के वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है? तो सामान्य जानकारी के लिए आपको नाम याद रखना चाहिए। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत वर्तमान मध्य प्रदेश के महू नामक तहसील में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी मालूजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, जबकि इनकी माता भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थी। इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। छुआछूत के विषय में ने अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल में हुई, इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर दलितों व शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। वे ऐसा समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान ना हो। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली। तो याद रखना, जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। बात करते हैं छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए 1924 में बहिष्कृत
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूल मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएं भी निकाली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को भी भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यह महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाए गए। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन का आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 27 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर 1927 को कब 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की पितियों को जला दिया। बात करते हैं असमानता को दूर करने के लिए अंबेडकर साहब के क्या सुझाव थे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को अपना प्रतिनिधि चुन खुद करना चाहिए। क्या है? अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन्हें अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए, यानी कि उन्हीं से उनका नेता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुद्दों का रखा जाना मायने नहीं रखता है, बल्कि उस मुद्दे का प्रतिनिधित्व स्वयं करना मायने रखता है। सहकारी खेती। स्वतंत्रता के पहले भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहां आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी, परंतु कृषि की जमीनों पर जमींदारों और कुछ उच्च जातियों का कब्जा था। शेष ज्यादातर जातियां भूमिहीन थी और मजदूरी का काम करती थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सरकारी खेती कराए जाने का वचन दिया, परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। सेपरेट सेटलमेंट। स्वतंत्रता से पूर्व गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरे जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से ही सवर्ण जातियां दलित जातियों का विभिन्न प्रकार से शोषण करती थी। इस तरह के शोषण से निकलने के लिए ही अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की। पर्याप्त का पे बैक टू सोसाइटी। अंबेडकर सरकार की सीमाओं से परिचित थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने समाज के नौकरी पेशा लोगों से कहा था कि शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिए वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे वे पे बैक टू सोसाइटी कहा गया। अब बात करते हैं पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को कब 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के वेतन से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे ही पूना समझौता के नाम से जाना जाता था। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया।
तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में आपकी 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए, यानी कि आरक्षित किए गए। साथ ही यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचक क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। किसी को भी स्थानीय निकायों की किसी चुनाव या लोक सेवा में सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर आयोग नहीं ठहराया जाएगा। बात करते हैं पूना समझौते का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा। पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हरा कर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों को चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे। पूना समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार ना करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी कर दी। दलित वर्ग को एक पृथक एवं विभिन्न भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपाय को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर लिया। गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन किए जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अन्य कार्यों को छोड़कर पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए। पर्याप्त की बर्ड व्यवस्था पर गांधी जी और अंबेडकर साहब के मतभेद क्या थे उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। गांधी और अंबेडकर दोनों तत्कालिक सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण स्वरूप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्यपद्धति पद्धति अलग अलग थी इनकी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीं अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे, याद रखिए।
अंबेडकर के अनुसार बड़ व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का बड़ व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत बड़ व्यवस्था की अनिवार्य विकृति ना होकर बाह्य विकृति है। अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु बड़ व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। वहीं अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत बड़ व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। अतः बिना बड़ व्यवस्था का उन्मूलन किए छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता है। गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिए आदर्शवादी दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे, जबकि अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिए व्यवहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों की हिमायती थी। वहीं अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता, अतः धर्मांतरण द्वारा ही दलितों का उद्धार संभव है। गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि अंबेडकर साहब का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अस्पृश्यता की बीज विद्यमान है। तो ये था आपका अंबेडकर और पूना समझौते से संबंधित आर्टिकल। आप लोग 21वीं सदी में पहुंचने वाले हैं, आप अपना भी व्यू दीजिए, ठीक है, क्या सोचते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन मर्यादा में रहकर, अपने भी जो भी विचार हो मर्यादा में रहकर, एक इंसानियत के नाते जो भी हो दीजिए, ठीक है।